नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब भी लोग बढ़िया होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। जी हां, वर्ल्ड कप का जो आज का मैच होने वाला है, मैच नंबर 16, जहां पे एक तरफ होगी न्यूजीलैंड की टीम और दूसरी तरफ होगी अफगानिस्तान की टीम। देखिए, न्यूजीलैंड अच्छा कर रही है इस वर्ल्ड कप में, लेकिन लास्ट मैच आपको पता होगा अफगानिस्तान की टीम किसको बीट करके आ रही है, इंग्लैंड को, और वो भी एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ, बहुत बड़े नंबर्स के साथ। और ये मैच आपको पता होगा कि चेन्नई की विकेट है वहां पे ये मैच खेला जाएगा, जो कि ऑलरेडी आपने सुना होगा कि स्पिन फ्रेंडली काफी बढ़िया ये विकेट रहती है। वहां पे आप सोच सकते हैं कि अफगानिस्तान की स्पिन जो कि एक बैटिंग ट्रैक पे भी अच्छा कर सकती है, तो वैसी विकेट पे क्या कर सकती है। तो एक तरफा मैच को लेके मत चलना, ये मैच बहुत शानदार होने वाला है। तो कैसे आपको इस मैच के लिए अपनी फैंटेसी की टीम बनानी है, कैसे पिच रिएक्ट करेगा, इन सभी चीजों पर आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट एनी सेकंड स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो को सारे लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करो, जिससे कि आने वाले वीडियोज आप सबसे पहले देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, आपको जुड़ जाना चाहिए। जो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। देखिए, टेलीग्राम चैनल जहां पे टॉस के बाद कोई भी अपडेट आएगी, प्लेइंग 11 को लेके, पिच रिपोर्ट को लेके, बहुत सारी अपडेट आती है टॉस के बाद, कितने बॉलर्स होंगे, कौन से बॉलर का ज्यादा रोल होगा, तो वो चीजें भी वहां पर अगर चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग टेलीग्राम पे बता दिया जाता है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जरूर से आप लोग सारे लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। सबसे पहले वेन्यू को लेके बात करते हैं, चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में मैच खेला जाएगा। देखिए, एक चीज जहां तक आपने सुनी होगी, अगर आपने आईपीएल के मैचेस देखे होंगे जो मैंने कवर किए, हर जगह आपने एक चीज जरूर सुनी होगी कि ये जो विकेट रहती है, ये स्पिन के लिए काफी बढ़िया विकेट रहती है। यहाँ पे जो बैट्समैन है वो उतने रन कर नहीं पाते। लास्ट मैच में हमने देखा आपको बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का जो मैच था वो याद होगा, जहां पे बांग्लादेश की टीम ने न्यूजीलैंड को पूरी डोमिनेट करके रखा था। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम वो मैच जीती थी, लेकिन स्टार्टिंग के 10 ओवर्स में जो स्विंग था ना, वो ऐसा लग रहा था कि ये चेन्नई की विकेट है ही नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया में कोई विकेट खेल रहा है, कि इतना स्विंग मिल रहा था। 10 ओवर में केवल शायद 35 से 40 रन किए होंगे न्यूजीलैंड की टीम ने, तो वो मुझे थोड़ा सा एक अनएक्सपेक्टेड चीज लगा था। ओवरऑल ये बॉलिंग वाइज बढ़िया विकेट है, बॉलर्स यहां पर अच्छा करते हैं, स्पेशली स्पिनर्स यहां पर अच्छा करते हैं, 300 रन बनाना यहां पर उतना ईजी नहीं है, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन देखिए, अगर आपको रोज बड़े बड़े प्राइज जीतने हैं, अगर आपको गाड़ियां जीतनी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप माई 11 सर्कल पे जीत सकते हैं। हर दिन आपको नया, हर दिन बड़ा प्राइज आपको मिलेगा, महिंद्रा थार, किसी मैच में आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, महिंद्रा SUV 700 यहां पर मिलेगी आपको, इनोवा की गाड़ियां, बुलेट, बहुत बड़े बड़े प्राइज हर मैच में, इतने सारे प्राइज आपको, जब एक बार आप डाउनलोड करके देखो, जब आप डाउनलोड करके देखोगे आपको पता लगेगा हर मैच में कितने बड़े बड़े प्राइज आपको माई 11 सर्कल दे रहा है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे वहां पे आपको लिंक मिलेगा माई 11 सर्कल का, वहां से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि अगर आप उस लिंक से डाउनलोड करोगे ना, तो आपको 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। 20% एक्स्ट्रा का मतलब कि आप डिपोजिट करने के बाद आपका मन किया कि यार हम कुछ पैसे डिपोजिट करेंगे और इस पर खेले, तो आप मान लीजिए 10,000 रुपए डिपॉजिट करेंगे, तो आपको 10 के बदले 12,000 रुपए मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको 1,500 रुपए का कैश बोनस भी मिलेगा, यानी कि आपको डिपॉजिट करने का मुझे लगता है आपको डिपॉजिट करने की जरूरत ही नीड ही नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड करो और एंजॉय करो माई 11 सर्कल को। देखिए, टोटल यहां पर 24 मैचेस खेले गए हैं, 14 बैटिंग फर्स्ट ने, 10 है जो कि चेजिंग करने वाली टीम ने। स्कोरिंग पैटर्न देखोगे तो 300 प्लस केवल 3 टाइम्स बना है 24 मैचेस में।
200 माइनस है जो कि 4 टाइम्स बना है, बिटवीन 200 टू 249 8 टाइम्स, बिटवीन 249 टू 299 जो कि यहां पे 9 टाइम्स बना है, यानी कि मैक्सिमम स्कोरिंग है वो 200 से लेके 299 के बीच की हुई है, वही होनी चाहिए। 245 का एवरेज स्कोर है, बैलेंस्ड विकेट आप इसको लेके मान सकते हो। रिसेंट के मैचेस, ये लास्ट का मैच है जिसकी मैं बात कर रहा था, बांग्लादेश ने 245 के, न्यूजीलैंड ने 248 कर लिए, मैच जीता लेकिन बांग्लादेश ने बहुत शानदार गेंदबाजी की, टोटल यहां पे पेसर्स को 8, स्पिनर्स को 3। यहां ऑस्ट्रेलिया ने 199 किए थे, इंडिया ने चेस कर लिया पेसर्स को 8, स्पिनर्स को 6, ये भी इसी सीजन का मैच है। यहां ऑस्ट्रेलिया ने 269 किए थे, इंडिया ने चेस कर लिया था यहां पे पेसर्स को 7, स्पिनर्स को 11। तो ओवरऑल आप देखोगे तो 300 तक नहीं गए हैं मैचेस, आप तीनों मैचेस देख सकते हैं, तीनों मैचेस में बढ़िया बढ़िया टीमें खेली है। यहां पे आप देखोगे 11 ही विकेट्स गिरी, यहां 14 विकेट्स गिरी, यहां 20 विकेट चली गई। न्यूजीलैंड अगर पहले बैटिंग करेगी तो आपको थोड़ी सी ज्यादा विकेट्स देखने को मिलेगी, लाइक आपको 15 प्लस विकेट भी देखने को मिल सकती है इफ न्यूजीलैंड बैट फर्स्ट। अगर अफगानिस्तान की टीम पहले बैटिंग करे तो शायद 13-14 के करीब ही विकेट्स आपको टोटल पूरे इनिंग्स में देखने को मिले, फिर वही फर्स्ट हो वो सेकेंड हो। टोटल 43 मैचेस, फास्ट को 23 और स्पिनर्स को 20 विकेट्स मिले हैं। यहां पे आप हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, देखिएगा दो मैच खेले गए हैं, दोनों के दोनों है वो न्यूजीलैंड की टीम ने जीते हैं। ये डब्ल्यूसी का मैच है 2019 का, जहां पे न्यूजीलैंड ने 127 विकेट्स, यहां पे ये भी डब्ल्यूसी 2015 का मैच है, अदरवाइज इन दोनों टीमों के बीच वो जो सीरीज वगैरह जो बोलते हैं हम वो हुई नहीं है, बायलैटरल सीरीज जो हुई नहीं है। यहां पे आप देखोगे तो यहां न्यूजीलैंड 6 विकेट से जीता। दोनों ही मैचेस में आप देखोगे तो अफगानिस्तान 200 रन तक नहीं पहुंच पाया, न्यूजीलैंड ने डोमिनेट किया है। उसके अलावा कुछ कॉमन प्लेयर्स में रहमत शाह फ्लॉप, आखिल फ्लॉप, हसमतुल्ला शाहिद ने 59 किए, नाबी फ्लॉप, राशिद खान फ्लॉप, विलियमसन ने 79 के, टॉम लेथम 13 नॉट आउट, जेम्स निशम 5 विकेट, फर्गुसन 4 विकेट, ट्रेंट बोल्ट 0। यहां जाडरान 56 थे, नाबी फ्लॉप थे, विलियमसन ने 33 के, ट्रेंट बोल्ट 3 विकेट, साउथी 0। ट्रेंट बोल्ट ने अच्छा किया, लॉकी फर्गुसन ने अच्छा किया, जिमी निशम का नाम भी दिखाया आप देख सकते हैं, जेम्स निशम ने यहां पे 5 विकेट निकाली थी। बाकी एक शाहिदी की इनिंग्स है तो उतना कुछ दोनों टीमों से पॉइंट्स मिले नहीं है, क्योंकि एक छोटा मैच हो सकता है पावर प्ले में क्या होता है, तो एक इनिंग्स इसको निकाल दो आप, ये जो आप देख रहे हैं 6 इनिंग्स में से हर एक इनिंग में 5 इनिंग्स में पावर प्ले में विकेट देखने को मिली है। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम में शायद आपको विकेट देखने को ना मिले, लेकिन अफगानिस्तान की टीम में आपको इन पावर प्ले विकेट्स देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11। देखिए डिवॉन कॉनवे अच्छा कर रहे हैं, आप इनके नंबर्स देख सकते हैं। विलियम इस मैच में आ सकते हैं, आपको पता होगा लास्ट मैच में नहीं खेले थे बिकॉज केन विलियमसन थे। अब केन विलियमसन को लेके कुछ अपडेट आ रही है, तो अगर वो नहीं खेलेंगे तो विलियम आएंगे। विलियम आप देखोगे 70 है यहां पे, 12-70, तो थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की दिक्कत है। रविंद्रा के नंबर्स लास्ट मैच उतना बढ़िया नहीं, बाकी ठीक है। डैरी मिचल, आपको बता दूं केन विलियमसन को थंब की इंजरी जिसकी वजह से अपडेट आ रही है। डैरी मिचल ने लास्ट मैच में बहुत बढ़िया किया, 89, 48, 25, 59 अच्छा कर रहे हैं। टॉम लेथम का बल्ला उतना चला नहीं है, ग्लेन फिलिप्स अच्छा कर रहे हैं, मार्क चैपमैन उतनी बैटिंग भी नहीं मिलती, बहुत नीचे आते हैं, सैंटनर अच्छा कर रहे हैं, फर्गुसन लास्ट मैच बढ़िया था, 3 विकेट निकाली थी, बाकी कुछ खास नहीं जा रहे थे। ट्रेंट बोल्ट का देखोगे तो ट्रेंट बोल्ट ने यहां पे 2 विकेट, यहां 1, यहां 2, उसके अलावा मार्ट हेनरी भी यहां पे अच्छा कर रहे हैं। ग्लेन फिलिप्स ओवर डाल सकते हैं, सामने वाली टीम में शाहिदी है, लेफ्ट हैंडी है, उनके सामने गेंदबाजी कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए ज्यादा लेफ्ट हैंडी तो है नहीं, तो फर्स्ट बैटिंग में थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर बेंच से देखिएगा इश शोडी है, मुझे नहीं क्यों नहीं पता नहीं क्यों नहीं खिला रहे, इश शोडी बढ़िया गेंदबाज है ऐसी विकेट पे। उसके अलावा टिम साउथी और केन विलियमसन का मैंने आपको बता दिया कि इनको थोड़ी सी थंब में यानी कि अंगूठे में दिक्कत है। फुल स्टैट्स कॉनवे है, हेड टू हेड वेन्यू पे एक मैच में 45 है, ओवरऑल 24 में 52 का एवरेज है, आप जरूर लेके जाइए। विल योंग हेड टू हेड नहीं, वेन्यू नहीं, ओवरऑल 24 में 42 का। विल योंग को देखिए आप ले सकते हो, स्पेशली अगर न्यूजीलैंड की टीम चेस कर रही है उस वक्त ले सकते हो। विल योंग हालांकि उतनी बढ़िया इनकी परफॉर्मेंस रही नहीं है, लेकिन हाँ अफगानिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है शायद स्टार्टिंग में उतना स्विंग ना मिले फारूकी वगैरह को इस विकेट पे, बीच में थोड़ी सी दिक्कत होती है जब स्पिनर्स आते हैं, तो वहां पे शायद विल योंग आपको थोड़े से रन देके चले जाए।
रविंद्रा हेड टू हेड नहीं, वेन्यू पे एक में जीरो विकेट, नो रन ओवरऑल 14 में 40 का एवरेज, 14 विकेट। अगर पहले बैटिंग कर रही है इनकी टीम तो आप रविंद्रा को कैप्टनसी दे सकते हो। डैरी मिचेल हेड टू हेड नहीं, वेन्यू पे एक में 89 रन है, ओवरऑल 31 में 46 का एवरेज, 12 विकेट है। फर्स्ट बैटिंग में जरूर लेना, चेजिंग में छोड़ सकते हो। टॉम लथम एक में 13 हेड टू हेड, वेन्यू पे एक में बैटिंग नहीं आई, ओवरऑल 136 में 35 है। ग्लेन फिलिप्स हेड टू हेड नहीं, वेन्यू पे एक में 16 का एवरेज है, ओवरऑल 22 में 30 का। एक चीज ध्यान में रखना, अगर न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग कर रही है उस वक्त आप क्या कर सकते हो, डैरी मिचेल को इस मैच से ड्रॉप कर सकते हो, या फिर जैसा कि मैंने आपको बोला विल यॉन्ग को ड्रॉप कर सकते हो। आप किसको ट्राई कर सकते हो, दैट इज अ बिग मैटर। वो क्या है, टॉम लेथम। हालांकि टॉम लेथम के लिए उतना इजी होगा नहीं, वो भी आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि लेफ्ट हैंडी है। सामने आपको मोहम्मद नाबी दिखेंगे, सामने आपको मुजीब रहमान दिखेंगे, और जो सबसे खतरनाक गेंदबाज है वो आपको सामने राशिद खान दिखेंगे। सबसे बड़ी ये दिक्कत इनके लिए हो जाएगी, वो थोड़ी सी मुझे दिक्कत लग रही है। तो उसके लिहाज से आप अगर मेरी बात ना मानो छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मुझे डर लग रहा है, मुझे लग रहा है शायद परफॉर्म कर जाए, लेकिन वो बड़ा रिस्क है यार। मुजीब हो गया, नाबी हो गया, कितनों को खेलेंगे। ग्लेन फिलिप्स फर्स्ट बैटिंग में आप जरूर लेना ग्लेन फिलिप्स को। मार्क चैपमैन थोड़ा नीचे आते हैं, हेड टू हेड नहीं है, एक मैच खेले वेन्यू पे जहां पे बैटिंग नहीं आई और 14 में 35 है। सैंटनर एक में बैटिंग नहीं आई, वेन्यू पे एक में एक विकेट, ओवरऑल 96 में 97 विकेट, 28 के एवरेज में लेके जाऊंगा। लोकी फर्गुसन एक में 4 विकेट हेड टू हेड, सॉरी वेन्यू पे देखोगे एक में 3 विकेट है, ओवरऑल 59 में 89 विकेट है। फर्गुसन को आप चाहो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार हम नहीं ले पा रहे किसी प्लेयर को, तो फिर आप लोकी फर्गुसन को ड्रॉप कर सकते हो। ट्रेंट बोल्ट 2 में 3 विकेट हेड टू हेड, वेन्यू पे 1 में 2 है, ओवरऑल 106 में 198 में लेके जाऊंगा। मैट हेनरी 1 में 0 विकेट हेड टू हेड, वेन्यू पे 1 में 2, ओवरऑल 77 में 136 में लेके जाऊंगा। तो यहां से मेरे लिए ये तीन तो पक्के बनते हैं। अगर जगह बन रही है लोकी की तो आप लोकी को वहां पे रख सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। बैंक से इनमें से कोई भी खेले, इस छोड़ी स्पेशली अगर खेले तो ध्यान में रखना, लेना है। अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 देखिए, गुरबाज का लास्ट मैच बढ़िया था, ये थोड़ा सा बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाते। इब्राहिम जादरान देखिए उतना खास कर नहीं पा रहे, इनको स्टार्ट मिल रहे हैं लेकिन बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। रहमत शाह का बल्ला नहीं चल रहा, शाहिदी का एक मैच में यहाँ पे 80, बाकी कुछ खास नहीं, 159 ये पहले के हैं। अखिली लास्ट मैच में आए थे 58 रन के थे, बाकी उतने कुछ खास स्टैट्स इनके भी नहीं है। नाब भी उतना कुछ खास नहीं कर रहे, लेकिन ये आपको बॉलिंग दे रहे हैं तो वहां पे विकेट निकाल सकते हैं। ओमरजाई का देखोगे तो ओमरजाई ठीक ठाक कर रहे हैं, हालांकि गेंदबाजी इनको ज्यादा नहीं मिलती, विकेट्स भी नहीं मिलते, लेकिन ये बैटिंग कर रहे हैं। राशिद खान अच्छा कर रहे हैं, मुजीब रहमान अच्छा कर रहे हैं, नवीन उल्लक का देखोगे कुछ खास नहीं है, फारूकी के भी देखोगे कुछ खास स्टैट्स यहां पे देखने को मिले नहीं है। बाकी बेंच से जाडरान, जैसा कि मैंने बोला T20 वर्ल्ड कप T20 मैचेस टाइप प्लेयर है, तो इनको ओडीआईज में उतना खास इनके स्टैट्स रहते नहीं है। गुरबाज हेड टू हेड नहीं, वेन्यू नहीं, ओवरऑल 28 में 38, काफी लोग इनको लेके जाएंगे। अगर आप चाहो तो आप ड्रॉप कर सकते हो, जी हाँ आप ड्रॉप कर सकते हो गुरबाज को, मैं शायद ड्रॉप करूं। जादरान हेड टू हेड नहीं, वेन्यू नहीं, ओवरऑल 21 में 50, दोनों में से एक रख सकते हो। मैं शायद थोड़ा सा इब्राहिम जादरान को फोकस करूंगा। रहमत शाह एक मैच 0 विकेट 0 रन है हेड टू हेड में, वेन्यू पे खेले नहीं, ओवरऑल 99 में 35 का एवरेज है। रहमत शाह आपके लिए एक बढ़िया डिफरेंशियल पिक बन सकती है, जी हाँ। स्मॉल लीग में ना लेना चाहो तो ग्रैंड लीग में थोड़ा सा जरूर ट्राई करना, किसको, रहमत शाह को। शाहिदी एक मैच 59 हेड टू हेड, वेन्यू पे खेले नहीं, ओवरऑल 66 में 32, मैं शायद शाहिदी को इस मैच में भी क्या है वो ड्रॉप करके जाऊंगा। अखिल एक मैच 2 हेड टू हेड, वेन्यू पे खेले नहीं, ओवरऑल 15 में 26, मैं नहीं लूंगा। नाबी 2 मैच 7 का एवरेज, 1 विकेट हेड टू हेड, वेन्यू पे खेले नहीं, ओवरऑल 149 में 26 का एवरेज, 154 विकेट लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग ये दोनों देते हैं, वो भी आपको अपने माइंड में रखना पड़ता है ना मेरे भाई। ओमर जाई हेड टू हेड नहीं, वेन्यू नहीं, ओवरऑल 15 में 27 का एवरेज, 7 विकेट, देखिए ये आपको बैटिंग भी देते हैं, लेकिन थोड़ा सा बॉलिंग अगर आपने कंसिस्टेंटली पूरे ओवर देना, 7 से 8 ओवर भी दे तो भी आपके लिए बढ़िया पिक है। अगर ये बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, केवल 3-4 ओवर डाल रहे हैं, तो फिर रिस्की बन जाते हैं। राशिद खान एक मैच 0 विकेट हेड टू हेड, वेन्यू पे खेले नहीं, ओवरऑल 96 में 19 का एवरेज, 174 विकेट, बढ़िया CVC, कम से कम वाइस कैप्टनसी आप राशिद खान को कर सकते हो। मुजीब हेड टू हेड नहीं, वेन्यू नहीं, ओवरऑल 68 में 93 विकेट, मैं लेके जाऊंगा। नवीन हेड टू हेड नहीं, वेन्यू नहीं, ओवरऑल 9 में 15,
फारूकी हेड टू हेड नहीं, वेन्यू नहीं, ओरल 23 में 33। अगर आप लेना चाहो ले सकते हो, स्पेशली इनको तब लेना जब इनकी टीम पहले बॉलिंग कर रही हो अफगानिस्तान की, अदरवाइज आप इन दोनों को छोड़ सकते हो। इन दोनों को ऑफकोर्स आप अपनी टीम में लेके जा सकते हो, मुजीब और राशिद खान को। बैंक से आई डोंट थिंक सो कि यहां से कोई भी अवेलेबल होगा बैंक से, समझ गए। प्लेयर्स बैटल में देखोगे तो ज्यादा आपको मैचअप्स दिखेंगे नहीं, जो कि आप देख सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा खेले नहीं है। 2015 का वर्ल्ड कप खेले, 19 का वर्ल्ड कप खेले, उस वक्त ये प्लेयर खेल भी नहीं रहे थे, तो कहां का मैचअप होगा, जाहिर सी बात है। यहां देखोगे तो देखिए अहमद शाह, जिमी निशम ने एक बार जरूर आउट किया है, उसके अलावा हसमतुल्ला शाहिदी को लॉकी फर्गुसन ने एक बार आउट किया है, जेम्स निशम ने एक बार आउट किया, किसको, मोहम्मद नाबी को। कोई बड़े मैचअप है नहीं इसका, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको स्क्रीनशॉट लेने की। चलिए टीम की तरफ चलते हैं। टीम में मैंने क्या किया, डेवन कॉनवे को रखा, इब्राहिम जादरा, अहमद शाह, इन दो अफगानी प्लेयर को रखा, सेंटनर को रखा, उसके अलावा मैंने क्या किया, रविंद्रा को रखा है, रविंद्रा को मैंने कैप्टनसी भी दी है, डैरी मिचेल को रखा, मोहम्मद नाबी को रखा, मार्ट हेनरी, राशिद खान को वाइस कैप्टनसी, मुजीब को रखा और ट्रेंट बोल्ट को रखा। और ये मेरी फाइनल टीम भी हो सकती है, जहां तक मुझे लग रहा है कि इस टीम के साथ मैं जा सकता हूं। हाँ, एक चीज हो सकती है कि शायद मैं रहमत से आपको ड्रॉप कर दूं और किसी दूसरे प्लेयर को लूं, या फिर अगर न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग कर रही है तो मैं डैरी मिचेल को ड्रॉप करके क्या कर सकता हूं, ग्लैन फिलिप्स कर सकता हूं, समझ गए इस चीज को। ये वो चेंजेस है जो कि पॉसिबल है इस टीम में। तो हालांकि आप ज्वाइन कर लीजिए इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट को ऑन माय 11 सर्कल। अगर आपको डाउनलोड नहीं किया तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड करो और एंजॉय करो माय 11 सर्कल पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।